सुन सखी पी मैं पी मैं जिया बसे सखी
सुन सखी पी मैं जियो बस सुन सखी पी मैं जियो बस है जी में बस है के पियो जियो पियो बुझो नहीं जियो पियो बुझो नहीं घाट में घाट में जियो के पियो सुन सकी तू मेरा जीवन तू मेरा जीवन तू आधार जीवनो मैं जीवन पाया जीवनो मैं जीवन पाया सुन सखी पी मैं जियो से जी में बस है के पियो जीवनो मैं जीवन पाया सब में जोत जोत है सोए सब में जोत जोत है सोए किस दे चानन किस दे चानन सब में चानन होए सब में चानन होए सब में वसे सब में वसे प्रभ एक को सोए जीवनो मैं जीवन पाया सब में वसे प्रभ एक को सोए घट घट में हर जू बसे सुन सखी सवाल खड़ा हो गया आतीजा भी कहता है बाबा कबीर जी दी रचना तो एक ऐसा मसला साडे सामने अगे तोरिया जा रहा है जिसनू आज स्पष्ट कर दिता गया है। मैं एक बार कीती सी गुरबाणी किसे मसले नू किसे बुझारत नू बुझारत ही नहीं रहने दिंदी जे वो पुजारित रह जाए तो परम बन जाएगी मनुख कंफ्यूज हो जाएगा जे उन्हें स्पष्ट ना किया जाए तो मनुख कंफ्यूज हो जाता है ते जे परम गुरु कोलों ना निकले तो निकले कित्थों
ਕਬੀਰ ਨੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਮਾਇ ਮੁੰਡੋ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਦਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਭਰਮ ਮਿਟਣ ਨਾ ਜਾਣ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾਉਂਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਿਰਣੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਲੋਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੀਚੇ ਲੋਇਨ ਕਰ ਰਹੋ ਨੀਚੇ ਲੋਇਨ ਕਰ ਰਹੋ ਲੈ ਸਾਜਨ ਗੱਟ ਮਾਏ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਬਾਹਰ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਣ ਤੇ ਛੂਟ ਭਰੀ ਗੁਰ ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਥਾ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਮਾਰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਬਾਹਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢੂੰਡਦਾ ਫਿਰਨਾ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਮਾਰ ਨੀਚੇ ਲੋਇਨ ਕਰ ਰਹੋ ਲੈ ਸਾਜਨ ਘਟ ਮਾਹੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਨਾ ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਓ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਪਤ ਪਾਤਰ ਵੀ ਨਾ ਬਣ ਹੋਕੇ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਚੁੱਪ ਚੰਗੇਰੀ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਵੋ ਨਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਚੁੱਪ ਚੰਗੇਰੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਪੜਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੜਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਨਲ ਹੱਕ ਮਨਸੂਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੂਲੀ ਚੜਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਵੋ ਨਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਪੁੱਛੇ ਸੁਣ ਬੇਨਾਮਾ ਦੇਖੋ ਰਾਮ ਤੁਮਾਰੇ ਕੰਮ ਨਾਮਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਬੰਧ ਲਾ ਦੇਖੋ ਤੇਰਾ ਹਰ ਬੀਠਲਾ ਬਿਸਮਲ ਗੋ ਦਿਓ ਜਿਵਾਏ ਨਾ ਤਰ ਗਰਦਨ ਮਾਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਭੁਗਤਾਈ ਉਸ ਸਾਖੀ ਉਸ ਮਿਥਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਬਿਸਮਲ ਕੀਆ ਨਾ ਜਾ ਜੀਵੈ ਕੋਏ ਅਮਰਾ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਵੋ ਨਾ ਹੈ ਅਮਰਾ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ ਕਰਹਿ ਰਾਮ ਹੋਏ ਹੈ ਸੋਏ
भी आख्या किसे लिखावो ना नीचे लोड़ मेरे अंदर हुण अगला श्लोक आ गया कि बार ना देखा तो इनका मतलब यह समझा रब मेरे अंदर है बार है ही नहीं। गुरु ताए कह रहे हैं अंतर एको बाहर एको सब मैं एक समय बाहर भीतर एको जानो एक गुर ज्ञान बताई अंदर भी है बाहर भी। इसलिए अगली लाइन में कह देता है कि ख्याल करें कितने ऐसा ना होवे अपने अंदर दी प्राप्ति नाल अपनी होमे विच मस्त हो जाए। नहीं बाहर भी हर किसी वाल वेख उनके अंदर भी देख ये ना देख भी मेरे अंदर ही है उनके अंदर भी देख। उन्हें अगले श्लोक विच कह दिता नीचे लोन क्यों करो पहले आख्या सी नीचे लोन कर रहे हो फिर आख्या नीचे लोन क्यों करो सब घट देखो पियो मैं सारे में रब नू वेखा जिधर वेखा उधर रब ही दिसे मैनू मालिक ही दिसे कुछ होर दिसे ही ना। चलो क्यों करो सब घट देखो पियो आठ जाम 64 करी तो अंदर खतरा है जियो मैं हर वक्त हर पल तेनू ही देखता रहा तो अंदर खतरा है जियो। हुण तीजे मसले ते आ गया भी गल ते ठीक है जीवन सफल हो जाए जे हर पासे तेनू हर काम विच हर थावें जय जय पेखो तय हजूर दूर कत्तो ना जाए तू कदे विछड़ेगा ही नहीं। पर ए अवस्था मिले किवें अज दा श्लोक आ गया ए अवस्था किवें मिलती है सवाल तो खड़ा हो जाता है। सत्संगी पुरुष जदों इकट्ठे होंदे ने इहो ही ते आपस विच डिस्कस होंदी है इहो ही इसे दा नाम तो गोष्ठी है। साध संगत विच आउन दा मकसद की है असी विचों कुछ लभीए जी ये गल तो ठीक है मैं हर पास दो दो लोचन पेखा हूँ हर बिना वरना देखा मैं अखा इन्हों लोचना नैना लोइना बंद क्यों करा खोल के हर पास देखा तो जिधर देखा उधर मैनू मेरा प्रीतम दिस नज़र आवे। भाई नंद लाल जी ने भी आख्या जा हर जाके दी दे मुरख यार दी दे माँ के नज़र वजन बेग यार मे कने हर पासे मैनू वो दिसदा पर यह अवस्था किवें बनती है। हुण आपस विच बैठे सतसंगी सहेलियां वांगू जिवें सहेलियां आपस विच बैठ के विचार करदी एवें आत्मावां सतसंगी आत्मावां उह सवाल करदियां ने जी दसो एहो जी अवस्था किवें मिले किवें बने। हुण इस गल दा जवाब है कहन लगी सुन सखी सुन सखी पी मैं जीव बसे जिस दिन तू आपा छड़ दे में तेरा जीव पीऊ विच अपहेद हो जाए पीऊ मतलब पति परमेश्वर मालिक उन्दे विच अपहेद हो जाए तेरा आपा वखरा ना रहे। बाबा कबीर जी दे आपा श्लोक पढ़ चुके हैं जिदे जाके है तू तू करता तू हुआ तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूं अपापर का मिट गया। हुण
अवस्था बदल गई ना। जत देखा जिधर भी देखना आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। जब हम होते तब तू नाही, जब हम होते तब तू नाही, अब है। कुछ गल्ला पास्ट नहीं प्रेजेंट है, ऐसी भूतकाल नाल पिछा नाल जो कल की सी जी, परसों की सी जी, पिछले साल 10 साल पहले को भलिया। हर रोज ये तो जीवन एक पौड़ी है, ये तरह पत पौड़ियाँ, ये तो पौड़ी है। तो एक ख्याल करी पौड़ी का हर कदम एक दूजे तो वक्रा ऊंचाई विच होंदा है। जदों पहली पौड़ी ते पैर धरदा है उदों कुछ नीवा हुंदा है, उस तो अगली ते होर अवस्था उच्च। जे हर पौड़ी ते अगे नालों उच्चा ना मन बने, ऊंचाई नू बिरती ना छोवे, ते कादियां पौड़ियां, ये तो पौड़ियां। जीवन दा कम है गुरु कोलों ज्ञान लैके ऊंचाइयां वल वधना। पर असी तो भूतकाल नाल जुड़ जाने, कहने का जे 10 साल पहला असी तो क्यों अज इत्थे, आ गल क्यों हो रही है। वो भलिया लफज अब है, गल तो प्रेजेंट ही है। कहन लगे जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नाही, अब तू ही मैं नाही, अब हम तुम एक भयो है, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिल है सारंग पाणी राम कबीरा एक भय है। अब राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पछाणी, अब तू ही मैं नाही, सुन सकी पी मैं जीव बस है। आप छड़ दे पीओ विच अभेद हो, क्यों? क्योंकि एक ख्याल करी तू उथों ही जन्म लिया है, जीवनों में जीवन पाया। इस गल नू तसल्ली करन लई, विश्वास करन लई तेनू ए भी सोचना पाएगा तू आया कित्थों है, अपना असला। ये क्यों आख्या मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, अपनी जड़ देख तू पैदा कित्थों होया। गुरबाणी विच अनेकां थां ते बड़े सवाल ने, क्यों आख्या जातो जाए, जातो जाए, जातो जाए दा अर्थ है जाणिया जाणा, जान लेना चाहिदा है। जातो जाए कहां ते आवे, ये कित्थों आया है, जीवन कित्थों मिलिया है। जातो जाए कहां ते आवे, कहे उपजे कहां जाए समावे। जातो जाए पहला ये जानना जरूरी है, क्योंकि जिथों आया है
जे इनू अपना मूल याद रहेगा तो उथे जाएगा, उथे ही जाएगा। आ बदल सागर विचों बनते ने, हवावां बनदियां ने सागर विचों, तो बदल बनते ने, बदल फिर बूंद बन के धरती ते वसदे ने, ते धरती ते वसदियां मुड़ के वह दरिया वहन बन के नीवें पासे क्यों जाते हैं, क्योंकि उधर समुंदर है, उन्होंने अपने मूल का पता है, वह मुड़ के उधर क्यों जाते हैं, लोग क्यों कहते हैं पानी निवान नू चलता है, क्योंकि नीवें पासे समुंदर है। वो अपना मूल नहीं भुलते, अपना टिकाना नहीं भुलते, बल्कि एक ख्याल करो ये जिन्ना कलेश है संसार का, वो उस मूल नालों टुट के है। जिस दिन मूल नाल मिल जाएगा कलेश खत्म हो जाएगा। आज जिन्हों से मौत आखने हैं, इन्हों मौत आखने हैं, गुरबाणी ने इस गल नूं बड़ा स्पष्ट किया है। आपां एक लाइन आम अक्सर पढ़ते हैं, पवने मैं पवन समाया, हुण अगली लाइन पढ़ो, उत्थे की है, ज्योति मैं ज्योत रल जाया, उस ज्योति विच ज्योत जाना है, क्योंकि ज्योति कोलों आई है, वापस ज्योत ने उत्थे जाने, उन्दे कलेश ताई मिटने ने, गुरबाणी दे लफज ने मिटाने मिटाने सब कल कलेश, रहते उपजे ते महापलेश। जिन्ने दिन जिन्नी देर मनुख उत्थे ज्योत विच ज्योत नहीं रल गई, उन्नी देर बड़े कलेश ने, रोटी कितों कमावां, घरदियां दे झगड़े, जमीनां दे झगड़े। ते जिस दिन जिंदे तो पैदा होया सी उन्दे विच प्रवेश कर गया, ज्योति विच ज्योत रल गई, फिर भी कुछ झगड़ा झगड़ा रह गया। जदों ज्योति विच ज्योत रलदी है ना, उस तो बाद अदालतों में चल रहे मुकदमे केस भी बंद हो जाते हैं। हुण किन्ने केड़े केस ने, किन्ने केस लड़ना है, फाइलां ही बंद हो जाते। मिटाने सब कल कलेश, जिथे लड़ाइया झगड़े, जमीना पिछे करता सी तन तो कोई कफन भी ला के लै जा, कोई लड़दा नहीं। मिटाने सब कल कलेश, जैते जाति समाए प्रवेश। तो एक ख्याल करो, एक गल बहुत जरूरी है पछाणनी, कि ज्योति मैं ज्योत रल जाया। बल्कि आम साढ़े एक प्रचलित शब्द है, इसनों कहते ने सूरज किरण मिले, इन तीन चीज़ों का जिक्र है, सूरज ते किरण, बूंद ते सागर, जल में जल हुआ, ज्योत ते ज्योति। असी उस ज्योति विच्चों निकली हुई एक ज्योत, अंश। अंश का मतलब यह नहीं होंदा कि संपूर्ण, सूरज किरण दोनों का फर्क पै गया ना। हुण हर किरण जिहड़ी है सूरज थोड़ा अपने आप नूं आखेगी, लखों किरणों ने, अनगिनत किरणों ने, सूरज एक है, हर किरण विच सूरज है। जे सूरज ना होवे तो किरण का जन्म ही कोई नहीं। उपरे गुरबाणी केडी गहराई है, जिथे सूरज नहीं चढ़ता उथे किरण भी नहीं होंदियां, क्योंकि किरण ने तो सूरज विचों जन्म लेना है, पर हर किरण कोई सूरज ते नहीं ना हुंदी, उंदी अंश हुंदी है। गुरु ने भी आख्या, कहो कबीर हम राम की अंश, असी उंदी अंश हाँ, उंदा छोटा जिहा एक टुकड़ा खंड हाँ,
एक टुकड़ा हाँ असी अपने आप नूं रब नहीं कह सकते। हाँ उनकी जोत ज्योति विचों जोत लैके आए एक अंश हाँ अधूरे हाँ जन ऊरा तू पूरा। ते जिस दिन उनके विच वापस समा जावांगे जिस दिन बूंद अपने आप विच अनेक जदों बारिश पैंदी है बूंदा गिणियां नहीं जांदियां गुरु ने भी आख्या कण हर बूंद बसो रोमावल कुसुम बसंत गणंत ना आवे गिणियां नहीं जांदियां पर हर बूंद सागर थोड़ो बन जाती है। हाँ सागर विच समा के सागर बन सकती है ये बूंद अपने आप में सागर आके मैं भी सागर हाँ तो वह भुलेखे होगी जेड़ा मनुख आखदा मैं भी रब हाँ मेरे अंदर भी रब वसदा तो इसका मतलब मैं भी रब वो तो आई हुई है जिम्मे किरण आखदा मैं ही सूरज हाँ बूंद आखद मैं ही सागर हाँ नहीं किरण जड़ी है इसे लिए अधूरी है। हाँ जिस दिन वापस बूंद चली गई सागर में फिर सागर बन जाएगी। क्यों आख्या ने सूरज किरण मिले जल का जल हुआ आराम इस तरह ज्योति ज्योत रले संपू अगे लफज की है संपूर्ण इनका मतलब संपूर्ण के मत मुकाबले की होंगे अधूरा जोड़ा अजय संपूर्ण ना हो कई गल्लां साढ़े आम जीवन में चलदियां ने पर असी विचारदे नहीं आप कोई चला जाए मनुख क्यों कहने आज पूरा हो गया गेटी अजीब गल है पहला अधूरा सी आप किसी की मौत के फलाना आज पूरा हो गया जी है पहला अधूरा सी क्योंकि किरण सी वो किरण सूरज में समा गई हूँ सूरज हो गई पहला वो बूंद सी बूंद सागर में समा गई ज्योति मैं ज्योत रल जाया हुण उह सागर हो गई उह पहला अधूरा सी फिर पूरा हो गया पहला अंश सी हुण संपूर्ण हो गया पहला छोटा जिहा टुकड़ा सी कह कबीर हम राम की अंश फिर हुण की होया संपूर्ण थी आराम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम जदों संपूर्ण थिया हो गया फिर तो सूरज वखरा ना रहा उनका हिस्सा हो गया उनके विच समा गया फिर तो बूंद वखरी ना रही सागर हो गई बस ये जवाब है अज दे इस श्लोक का कह लगे हे सखी हुण ते मैनू मेरा ते मेरे प्रीतम का वखरेवें का पता ही नहीं लगता मैं विच समा गई हाँ सुन सखी पी मैं जीव बस है उनके विच समा गई हाँ जीव पियो बूझे नहीं हुण ते मैनू ये पछाणना ये कहना ये सोचना भी मुश्किल नजर आउंदा है कि जीव ते पियो का फर्क की हुंदा है क्योंकि मैं जीव पियो विच अभेद कर दिता है वो दो श्लोकों का रिजल्ट दिता है अपनी रचना तो बाबा कबीर जी ने ते आख्या है सुन सखी सुन सखी पी मैं जियो बसे पी मैं जियो बसे जी मैं बसे के पियो जी मैं बसे के पियो जियो पिया बुझो नहीं हुण ते मैनू पछाण ही नहीं आउंदी
कि बूंद केड़ी ते सागर केड़ा, वो वखरेवा खत्म हो गया। जियो पिया बुझो नहीं घट में, जियो के पिया घट में, जियो के पिया सुन सखी, सुन सखी, सुन सखी, सुन सखी, पी में जिया बसे, पी में जिया बसे, सुन सखी, सुन सखी, सुन सखी, सुन सखी। तो रिजल्ट ते पहुंचे ने, आपा मिटाना है, बूंद ने सागर विच समाना है, वक्त नहीं रहना, किरण ने सूरज विच समाना है, वक्त नहीं रहना। वख हो के अपने आप नू सूरज ना आखे, वख हो के अपने आप नू सागर ना आखे। साडा दुखांत की है, अज ये पढ़ाया जा रहा है, तू अपने आप विच सागर है, तू अपने आप विच सूरज है। किरण कदी भी सूरज नहीं हुंदी, हाँ सूरज विच समा सकती, बूंद कदी भी सागर नहीं हुंदी, हाँ सागर विच समा सकती है। पर जाने कौन गुरु बुझावे, सागर में बूंद, बूंद में सागर, ये गल तो गुरु समझावे, कौन बुझावे जाने। बाबा कबीर जी ने अपनी रचना तो इस मंजिल तक अवस्था नू पहुँचाने दा ढंग दस्या है, इन्हां शब्दां नाल खिमांदा जा चुका। फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।